कैसे हो? अच्छा, और आधार कार्ड कहाँ है? इनका आधार कार्ड है, आधार कार्ड है ना तुमसे? कैसे हैं आप सब लोग? और अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं उन अंकल के घर में जो मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में दिखाए थे, क्योंकि आज मैं खाना देने आई थी तो वो नीचे थे ही नहीं, शायद उनकी तबीयत खराब है। सो अभी खाना देने उनके घर जा रही हूँ और दिखाती हूँ कि वो कहाँ पर रहते हैं। और अगर किसी ने हेल्प करना हो तो हम बता देंगे आपको कि कहाँ अंकल रहते हैं। छोटा सा कुटिया है स्कूल के अंदर, किसी ने मदद करना हो उनका तो कर दीजिएगा, एड्रेस हम थोड़ी देर में बता दें। सो अगर कोई बॉम्बे में अंधेरी साइड कोई रहता हो और कोई चाहता हो कि अंकल की हेल्प करना, हम तो कर ही रहे हैं, पर अगर और कोई आना चाहता हो, हमारे साथ जुड़ना चाहता हो कि अंकल की हेल्प करने में, तो हम इनका एड्रेस वगैरह हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या आप मुझे कमेंट कर देना या डीएम कर देना मेरे इंस्टाग्राम में पर्सनली। सो मैं इनकी लोकेशन आपको बता दूंगी, क्योंकि बहुत बुजुर्ग हैं, आई थिंक 85 प्लस हैं और अकेले रहते हैं, बीमार रहते हैं, कोई है नहीं यहाँ पर इनका। सो अभी फिलहाल देखती हूँ, अगर ज़्यादा बीमार है तो क्या करना पड़ेगा हमको। फिलहाल हम अभी जा रहे हैं उनके पास। सो ये जगह है जहाँ पर वो अंकल जी रहते हैं, तो फिलहाल अभी जा रहे हैं उनके घर। वो दूर आई थिंक उन्हीं की कुटिया है जहाँ पर वो रहते हैं। ये कमला देवी जेएनयू स्कूल के बाजू में, कमला देवी जेएनयू स्कूल के बाजू में, किसी अंकल का मदद करना हो तो यहाँ पे आके कर। सो ये जो जगह है वो है कमला देवी जैन स्कूल के ऑपोजिट। सो जो भी आना चाहे वो आके यहाँ पर अंकल की हेल्प कर सकते हैं, और यहाँ अंकल रहते हैं। है कैसे हो? कैसे हो? तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत ठीक नहीं है। ये दवाई लाया है। दवाई लेके आए? अच्छा, पैरासीटामोल है। सो ये छोटी सी कुटिया में ये रहते हैं। डॉक्टर ने लिया। अरे कोई बात नहीं, आपको बोला तो था ये ना, तो नहीं लाए। कई बार चिकल है ना। कोई बात, कोई बात। ये एक संडे को मत दिया करो। फिर अच्छा, पर आप बैठे हुए थे ना तो मुझे लगा वो आज अचानक। अरे देंगे ना, देते संडे को। फिर कौन देता है आपको? हम लोग भी देते हैं। ये बैठी, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, बस बस बैठ जाओ, बैठ जाओ। संडे को मत लाया करो बस। ठीक है, ठीक है। ठीक है, खाल तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है ना। आधार कार्ड लेके उम्र में डर लगता है, नहीं तो मैं करता था, क्या मालूम कुछ भलता हो। लेने के साल से मैं पूछ लेता हूँ, हमारे कुछ दोस्त डॉक्टर हैं। उम्र क्या है अंकल का? कितनी आईसी आई गए हो? कीती है, वही कीती है तुमसी? मेरी दोनों पे ना, वही कीती है, वही वही 25। अच्छा, और आधार कार्ड कहाँ है? इनका आधार कार्ड है, आधार कार्ड है ना तुमसे घरे? निकालो मेरे को फोटो, फोटो की फोटो दे इनला, फोटो दे आधार कार्ड का, ऑनलाइन वर्ती करना। दिखाओ एक मिनट को। अंकल बड़े अच्छे हैंडसम लगते थे। अरे ये पिक्चर में ना कुली, कुली पिक्चर में है। अच्छा, हाँ ले लॉन्ग। सो अभी आपने देखा अंकल कहाँ रहते हैं, किस कंडीशन में रहते हैं। So, यार किसी को हेल्प करना हो ना, कोई भी अगर मुंबई का देख रहा है तो आपको एड्रेस बताया ही है, वहाँ पे कर सकते हैं। प्लस उनको कुछ वैक्सीनेशन का भी करना है। अभी उन्होंने आधार कार्ड का फोटो तो लिया है, एंड बस इस एज में थोड़ा ऐसा डर लगता है कि कुछ और ही गड़बड़ ना हो। बट मेरे कुछ दोस्त हैं डॉक्टर्स हैं, उनसे पूछ लेंगे। अगर आप में से कोई डॉक्टर देख रहा है तो इज 75 प्लस, क्वाइट वीक ऑल्सो,
कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या जैसे भी हेल्प हो सके तो। सो अभय ने अभी जो कहा है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी मेरा सब्सक्राइबर या कोई भी व्यूअर डॉक्टर होगा तो और ये सब हम कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ दिखाने के लिए कर रहे हैं, हम 2 साल से हैं पर हमने कभी दिखाया नहीं। इस बार दिखाने का रीजन ये था कि चलो अगर दिखाते हैं तो लोग हेल्प करने के लिए आगे आ जाते हैं, देखने के बाद इंस्पायर हो जाते हैं या हेल्प करने के लिए आगे जाते हैं, वो ही एक रीजन था, उसके अलावा कुछ और रीजन नहीं था हमारा। अभी मुझे और तो कुछ कहना नहीं है, बस यही कहूँगी अगर कोई भी डॉक्टर हो या कोई भी सब्सक्राइबर हो जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है, क्योंकि अंकल की जो एज है वो 75 प्लस है और आपने देखा ही है कि काफ़ी वीक हैं, सो हमको थोड़ा है कि हमें कोई आइडिया नहीं है कि वैक्सीन हम लगवा दें। हाँ। कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो आप जहन में आ जाएगा ना कि हमने लगवाया, वो चीज़ हो जाएगी। तो कोई अगर है, वैसे मेरे कुछ दोस्त डॉक्टर्स हैं बहुत सारे पंजाब में हैं, पर यहाँ पे भी आई विल ट्राई किसी से पूछ के, क्योंकि वीकनेस बहुत है इनके, बुखार झेल नहीं पाएंगे। वैक्सीन के बाद का बुखार है ना 2-3 दिन का, उस चीज का डर लगता है। सो बताइएगा कि क्या करें। सो गाइज, दिस इज द एड्रेस, मैंने एड्रेस मेंशन कर दिया है, आप चाहें तो पर्सनली जाके इनकी मदद कर सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, आईडी मैंने मेंशन की हुई है। थैंक यू। सो गाइज, अभी जस्ट वापस आए हैं अंकल जी को खाना देके, और मुझे आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी थी, आपको बताना था, क्योंकि आप लोगों का कंसर्न मैंने अपने कॉमेंट बॉक्स में देखा है अंकल जी के प्रति, क्योंकि लास्ट व्लॉग में जब मैंने अंकल जी को आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कराया तो, और आपको पता है कि मैं यहाँ से शिफ्ट हो रही हूँ, तो सबका ये कंसर्न था कि शिफ्ट होने के बाद अंकल जी का ध्यान कौन रखेगा या उनको खाना कौन देगा। सो जो पहली बात है वो ये है कि हम जा जरूर रहे हैं पर हम इतना दूर नहीं जा रहे हैं कि हम अंकल जी का ध्यान या खाना उनको नहीं प्रोवाइड कर सकते, खाना भी इनको प्रोवाइड होगा और इनका ध्यान भी रखा जाएगा। और दूसरी चीज ये है, ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि जो भी मेरे एरिया में जहां मैं रहती थी, मॉडल टाउन 7 बंगलो या 4 बंगलो, अंधेरी साइड कोई भी रहता हो और जो भी इन अंकल की हेल्प करना चाहता हो तो वो आ सकता है, इनकी हेल्प कर सकता है। एड्रेस मैंने ऑलरेडी वीडियो में मेंशन कर दिया है, और अगर आपको एड्रेस ढूंढने में तब भी दिक्कत होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूंगी। और बस मुझे यही बोलना था, क्योंकि आपका कंसर्न जो है उसने मजबूर किया कि मैं ये वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए, और मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बस मैं ये कहूँगी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।